भारतीय संस्कृति के अग्रदूतों में महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि और महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे विद्वानों से आज हम परिचय करेंगे। सबसे पहले महर्षि अगस्त्य से। इनका जन्म काशी में हुआ। ये काशी के विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते थे। इन्होंने विंध्याचल पार कर सुदूर दक्षिण भारत में शैव मत का प्रचार किया। स्थानीय लोगों को शिष्य बनाकर विंध्याचल के घने जंगल कटवाए और यहाँ नगरों और आश्रमों की स्थापना की। यहाँ के लोगों को कला कौशल सिखाया। पांड्य देश के राजा इन्हें देवता की तरह पूजते थे। भारतीय संस्कृति और शैव धर्म के प्रचार के लिए ये भारत से बाहर कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि द्वीपों तक गए। कहा जाता है कि ये समुद्र पी गए थे। कंबोडिया के एक शिलालेख के अनुसार महर्षि अगस्त्य में अलौकिक शक्ति थी। ये कंबोडिया में भुदेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना बहुत समय तक करते रहे। यहीं पर इनका स्वर्गवास हुआ। भारत के बाहर सुदूर देशों तक जाकर भारतीय संस्कृति और शैव धर्म का प्रचार करने वाले महर्षि अगस्त्य प्रथम व्यक्ति थे। महर्षि पतंजलि, ये पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। इनके दो कार्य प्रसिद्ध हैं। प्रथम तो व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य के लिए तथा दूसरे पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका करने के लिए। महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ है। इसमें साहित्य, धर्म, भूगोल, समाज तथा रहन सहन के तथ्य भी मिलते हैं। पतंजलि के बाद यह पुस्तक लुप्त हो गई थी। इसे कश्मीर के राजा जयादित्य ने खोज करके पुनः लिखवाया। पतंजलि ने संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। प्राचीन काल में किसी भी देश में व्याकरण का ऐसा विद्वान नहीं हुआ। आइए अब चर्चा करते हैं ऋषि याज्ञवल्क के बारे में। इस नाम के दो विद्वान हुए हैं, पहले राजा जनक के समय में और दूसरे युधिष्ठिर काल में। यहाँ जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वे दूसरे याज्ञवल्क्य हैं, जिनका विवरण यहाँ दिया हुआ है। इन्होंने याज्ञवल्क स्मृति नामक धर्मशास्त्र की रचना की, जिसे याज्ञवल्क संहिता भी कहा जाता है। स्मृति प्राचीन काल में ऐसे धर्मशास्त्र को कहा जाता था जिसमें आचार, व्यवहार, नियम कानून आदि की व्यवस्था दी जाती थी। याज्ञवल्क स्मृति के 1012 श्लोक 3 अध्यायों में विभक्त हैं। इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं की गई हैं, जिसमें मिताक्षरा और दायभाग प्रसिद्ध हैं। हिंदू कानून के लिए यह पुस्तक प्रामाणिक मानी जाती है। याज्ञवल्क ने शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को हराया था। उन्होंने भारतीय संस्कृति को अमर बनाने की चेष्टा की। तो ये हैं हमारे भारतीय संस्कृति के अग्रदूत। आइए इसी पाठ से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम इन पर चर्चा करेंगे। पहला है, महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण भारत में कौन से सामाजिक कार्य किए? तो उत्तर लिखिए, महर्षि अगस्त्य ने विंध्याचल का जंगल कटवाया, यहाँ नगरों और आश्रमों की स्थापना की, लोगों को कला कौशल सिखाया, आयुर्वेद का प्रचार किया, हिंदू धर्म, कला, संस्कृति और भाषा का ज्ञान दिया। दूसरा है, महाभाष्य की रचना किसने और कहाँ की थी? उत्तर लिखिए, महाभाष्य की रचना महर्षि पतंजलि ने काशी में की थी। तीसरा है, महर्षि पतंजलि के लुप्त महाभाष्य की खोज किसने कराई? तो कश्मीर के राजा जयादित्य ने लुप्त महाभाष्य की खोज कराई। चौथा है, ऋषि याज्ञवल्क्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ऋषि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की थी। अगला अभ्यास कार्य है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कीजिए,
पांड्य देश के राजा अगस्त्य को देवता की तरह पूजते थे। दूसरा है, कंबोडिया में अगस्त्य ने भुदेश्वर नामक शिवलिंग की बहुत काल तक पूजा की थी। चौथा है, महर्षि पतंजलि पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। चौथा देखिए, इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका भी लिखी। अगला अभ्यास कार्य है पता कीजिए। तो पता क्या करना है, प्रश्न है शिलालेख किसे कहते हैं। डियर व्यूअर्स, शिला का अर्थ होता है पत्थर और लेख मतलब लेखन। शिलालेख का अर्थ होता है पत्थर पर लिखा हुआ। अब पत्थरों पर या गुफाओं की पथरीली दीवारों पर जब कोई लिखित रचना की जाती है तो इसे शिलालेख कहा जाता है तथा पत्थरों पर लिखने की कला शिलालेखन कहलाती है। शिला का अर्थ होता है पत्थर या चट्टान और जब लेख शब्द इस शब्द से जुड़ जाता है तो ये शिलालेख बन जाता है। और आगे प्रश्न है कि क्या आपके आसपास भी कोई शिलालेख उपलब्ध है, देखिए उस पर क्या लिखा है। तो जब आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाते हैं तो अक्सर आपको एक पत्थर पर कुछ ना कुछ वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेस की जानकारी लिखी होती है, वही शिलालेख है। अगर आप गए हों तो आपको ये इसका नॉलेज होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, इनके बारे में अपने शिक्षक से पूछिए। उपनिषद, भाष्य, शास्त्रार्थ और टीका। तो चलिए हम एक एक कर इन पर चर्चा करेंगे। उपनिषद, डियर स्टूडेंट्स, उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन अर्थात पास में बैठना, समीप बैठना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना ही उपनिषद कहलाता है। यह शब्द उप और निह उपसर्ग से बना हुआ है, सद धातु से निष्पन्न हुआ है अर्थात इसकी उत्पत्ति हुई है। सद धातु के तीन अर्थ हैं, विवरण नाश होना, गति पाना या जानना यानी नॉलेज, तथा अवसादन शिथिल होना, है ना। तो अब उपनिषद का अर्थ होता है जब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना उपनिषद कहलाता है। वैदिक काल के दौरान गुरुकुल में शिक्षा इसी प्रकार दी जाती थी। अगला है भाष्य। डियर व्यूअर्स, संस्कृत साहित्य की परंपरा में उन ग्रंथों को भाष्य जिसका शाब्दिक अर्थ है व्याख्या के योग्य, उन ग्रंथों को भाष्य कहते हैं जो दूसरे ग्रंथों के अर्थ की वृहद व्याख्या या टीका प्रस्तुत करते हैं। मुख्य रूप से सूत्र ग्रंथों पर भाष्य लिखे गए हैं। भाष्य मोक्ष की प्राप्ति हेतु अविद्या का नाश करने के साधन के रूप में जाने जाते हैं। वेदों, ब्राह्मणों एवं आरण्यकों का साणाचार्य कृत्य भाष्य यानी प्रस्थान त्रयी यानी उपनिषद, ब्रह्म सूत्र एवं गीता का शंकराचार्य कृत्य भाष्य और पाणिनि के अष्टाध्यायी पर पतंजलि का व्याकरण महाभाष्य आदि कुछ प्रसिद्ध भाष्य हैं। अगला पूछा है शास्त्रार्थ क्या होता है। प्राचीन भारत में दार्शनिक एवं धार्मिक वाद विवाद चर्चा या प्रश्नोत्तर को शास्त्रार्थ कहा गया है यानी शास्त्र धन अर्थ कहते थे। इसमें दो या अधिक व्यक्ति किसी गूढ़ विषय पर असली अर्थ पर उसके असली अर्थ पर चर्चा करते थे, यही शास्त्रार्थ कहलाता है। और अगला है और अंतिम भी है टीका। तो वैसे हम लोग टीका से अर्थ समझते हैं माथे पर तिलक लगाना, लेकिन किसी ग्रंथ का भाष्य लिखना एक अत्यंत विद्वतापूर्ण कार्य माना जाता है। लेकिन टीका क्या होती है, अपेक्षाकृत छोटी टीकाओं को वाक्यावृत्ति कहते हैं। मतलब जब किसी वृहद व्याख्या पर हम संक्षिप्त में टिप्पणी कर देते हैं उसको हम टीका कहते हैं, और इसीलिए हम लोग अक्सर आम भाषा में बोल भी देते हैं टीका टिप्पणी करना।
जिनके द्वारा साहित्यकार या शास्त्रकार की भावनाओं को समझने में सहायता मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा, ऐसा देखने में आया है कि शास्त्रकार जो होता है स्वयं अपनी बात को भली भांति समझाने के लिए एक टीका की रचना कर जाता है, यानी अपने शब्दों पर एक अपेक्षाकृत छोटी सी व्याख्या कर देना ही टीका कहलाता है। कम शब्दों में हम समझें तो टीका ग्रंथों के भाष्य या विवरण लेखों को कहा जाता है। डियर व्यूवर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये छोटा सा अध्याय। हम मिलेंगे अगले वीडियो में भरत के साथ, भरत के चरित्र चित्रण के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।